अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज हम आपके साथ मटन पुलाव बनाने की रेसिपी शेयर करेंगे। मटन पुलाव बनाने के लिए पहले हम यखनी बनाएंगे। यखनी बनाने के लिए हमने जो चीज़ें ली हैं उसके लिए हमने आधा किलो मटन लिया है, आधी पोथी हम लहसुन की इस्तेमाल करेंगे, तकरीबन एक इंच का हम अदरक का टुकड़ा इस्तेमाल करेंगे, दो बड़ी इलायची, तीन लौंग, दो तेज़पात, दालचीनी की दो छोटी छोटी हमने स्टिक्स ली हैं, तकरीबन एक से डेढ़ इंच का टोटल टुकड़ा बनता है, वन टीस्पून जीरा, वन टेबलस्पून धनिया, वन टीस्पून सौंफ, कुछ मसाला जात सौंफ, धनिया, जीरा, बड़ी इलायची, लौंग, तेजपात और दालचीनी, इनको हम हल्की हल्की सी चोट लगाकर इनकी पोटली बनाकर यखनी में डालेंगे। हमने कुछ मसाला जात को कुंडी में हल्की सी चोट लगा ली है, अब हम इसकी पोटली बना लेंगे। अब हम यखनी बनाने के लिए सबसे पहले इसमें गोश्त डाल लेंगे, इसके साथ ही हम ये मसाला जात की जो हमने पोटली बनाई है वो डाल देंगे, और हमने लहसुन को छील लिया है और साथ ही अदरक का टुकड़ा है ये डाल देंगे। और अब हम इसके अंदर पानी डालेंगे, हमने ये वाले जो चार कप हैं ये चावलों के लिए हैं, इसी हिसाब से हम इसमें पानी डालेंगे। हम इसके अंदर चावलों के हिसाब से थोड़ा सा पानी ज्यादा डालेंगे, तकरीबन हमारे चावलों में ये छह कप पानी जाएगा, तो हम आठ कप पानी जो है वो यखनी बनाने के लिए इस्तेमाल करेंगे। अब हम इसे तकरीबन आधा घंटा पकने देंगे, उसके बाद हम चेक करेंगे, गोश्त में हल्की सी कसर होगी तो हम गोश्त जो है वो यखनी से अलहदा कर लेंगे, और उसको फिर भूनना भी है, और वहां भूनते हुए गोश्त जो है वो पूरा गल जाएगा। गोश्त के जायके के हिसाब से जितना हमें गोश्त में नमक चाहिए हम उतना सा नमक जो है वो तकरीबन वन टीस्पून वो हम इसमें डाल देंगे। मटन पुलाव बनाने के लिए यखनी को हमने चूल्हे पर चढ़ा दिया है। पुलाव बनाने के लिए हमें जिंजर गार्लिक की जरूरत है, उसके लिए हमने वन टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट लिया है, वन टेबलस्पून नमक, वन टीस्पून सफेद जीरा, हाफ टी स्पून काला जीरा, 15 से 20 काली मिर्चें, एक दरमियाने साइज का प्याज और दो छोटे टमाटर, चार सब्ज मिर्चें, मिर्चों को हम क्रश करके इस्तेमाल करेंगे। हमने ये वाला मेजरिंग कप जो है इसलिए वाले हमने चार कप चावलों के लिए हैं, इन चावलों को हम तकरीबन आधे घंटे के लिए भगो देंगे। मटन को पकते हुए तकरीबन 30 से 35 मिनट हो चुके हैं, और अब गोश्त जो है वो काफी हद तक गल चुका है। अब जो थोड़ी सी इसमें जरा सी कसर रह गई है, जब हम इसे भूनेंगे तो वो उसमें गल जाएगा। अब हम गोश्त जो है उसको यखनी से अलहदा कर लेंगे। हमने यखनी में से गोश्त जो है उसे निकाल लिया है। अब हम इसमें से ये पोटली जो है इसको भी अच्छी तरह से निचोड़कर निकाल देंगे, और इसमें जो मसाले जाते हैं वो हम डिस्कार्ड कर देंगे। अब हम पुलाव बनाने के लिए एक कप ऑयल लेंगे, और इसके अंदर हम प्याज डाल देंगे, और प्याज को हम तेज आंच पर फ्राई नहीं करेंगे बल्कि मीडियम लो हीट जो है उस पर हम इसको ब्राउन करेंगे। अब हम इसको फ्राई होने के लिए छोड़ देंगे। प्याज जो है ये अच्छे से ब्राउन हो चुका है, इसे हमने लो मीडियम हीट पर ब्राउन किया था। अब हम इसके अंदर गोश्त, लहसुन अदरक और बाकी मसाला जात जो है वो डाल लेंगे। लहसुन अदरक, सफेद जीरा, काली मिर्च, काला जीरा, हमने हरी मिर्च जो है इन्हें काट लिया है। अब हम इसे चॉप कर लेंगे। अब ये अच्छे से चॉप हो गई है, अब हम इसे गोश्त में डाल लेंगे। अब हम इसकी अच्छे से भुनाई कर लेंगे। गोश्त जो है वो अच्छे से भुन चुका है, अब हम इसे इसमें टमाटर काट कर शामिल कर देंगे और दोबारा से भुनाई करेंगे। गोश्त जो है वो अच्छे से भुन चुका है, और अब हम इसमें यखनी शामिल कर लेंगे। हमारे चार कप चावलों के थे और छह कप यखनी के बचे हैं, वो हमने शामिल किए हैं। अगर आपकी यखनी कम हो तो आप इसमें थोड़ा सा पानी भी इस्तेमाल कर सकती हैं। अब हम यहाँ पर नमक शामिल करेंगे, एक टेबल स्पून। हमने गोश्त के हिसाब से जो नमक था वो पहले इसमें शामिल कर दिया था, अब जो हम नमक डाल रहे हैं वो चावलों के हिसाब से है। यखनी और गोश्त जो है इसको उबाला आ गया है, अब हम इसमें चावल धोकर डाल देंगे। अब इसको उबाला जो है वो आना शुरू हो गया, अब हम इसको कवर करके पकाएंगे, और जैसे ही अच्छा सा उबाला आना शुरू हो जाए तो इसे लो मीडियम हीट पर पकाएंगे, और आखिर में जैसे जरूरत इसको दम देंगे। अब इस स्टेज पर नमक चखकर दोबारा डाला जा सकता है, अपने जायके के हिसाब से। हमने चखा है, हमारा बिल्कुल ठीक है हमारे जायके के हिसाब से, और अब हम इसे लो मीडियम हीट पर पकने देंगे, फिर इसको दम देंगे। हमारे चावल जो है वो इस स्टेज पर आ चुके हैं, और पानी जो है वो ऑलमोस्ट खुश्क हो गया है। अब हम इसे दम पर रख देंगे, हम 8 से 10 मिनट के लिए चावलों को दम देंगे। चावलों को दम पर रखे हुए तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं,
अब हम इसका दम खोलेंगे। अब हम फोक की मदद से हल्के हाथों के साथ चावलों को खोल लेंगे। फोक का इस्तेमाल हम इसलिए करते हैं ताकि चावल टूटे ना। पुलाव के साथ रायता बनाने के लिए हम जो धनिया तोड़कर लाए थे हम उसकी चटनी बना लेंगे। धनिया के साथ हम थोड़ी सी सरसों मिर्च डालेंगे, हमें 3 सरसों मिर्च लेनी है, थोड़ा सा नमक, इससे आराम से पिस जाएगा। चटनी जो है तैयार हो गई है, चटनी हमारी तैयार हो गई है। अब हम इसे दही में डालेंगे। हम दही वो इस्तेमाल कर रहे हैं जो हमने घर में बनाया था, हम बाजार का दही इस्तेमाल नहीं करते क्योंकि वो टेस्ट हमें पसंद नहीं। हमारा जो दही का रहता है वो तैयार है ताज़ा धनिया के साथ। हमारा पुलाव खाने के लिए तैयार है। उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी पसंद आएगी। शुक्रिया।